तो चलिए सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और इस समय की बड़ी खबर एक बार आपको फिर बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे कल, उससे पहले वो अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर इस समय की ये है कि इस मुलाकात में परसों उनको शपथ लेनी है, माफ कीजिए, और इस मुलाकात में मंत्रिमंडल के ऊपर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ रहे हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। नीरज पांडे, क्या जानकारी, किसको क्या पद मिल सकता है? चुनाव हारने के बाद देखिए पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बन गए, तो क्या केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी रास्ता साफ है? क्या पद उनको मिल सकता है और क्या जानकारी आपके पास? देखिए अभी इस पर कयासबाजी चल रही है सुगना, लेकिन इतना जरूर है केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख चेहरा हैं, पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं। अभी आपने एक उदाहरण देखा कि चुनाव हारने मात्र से कुछ होता नहीं है, चुनाव हारने के बावजूद पुष्कर सिंह धामी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री जैसा पद सौंपा है, तो ऐसे में माना यह जा सकता है कि पार्टी अपने नेता को कभी छोड़ती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जिस पौधे को हम खड़ा करते हैं तो इतनी जल्दी उसको हम गिरने नहीं देते हैं, इतनी जल्दी उसे खत्म नहीं होने देते। तो इस बात से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारी बहुत अहम रहने वाली है, न सिर्फ सरकार में बल्कि संगठन में के लिए भी अहम है। अब देखना यह है कि उनके लिए रोल क्या तय होता है, क्या डिप्टी सीएम में रिपीट होते हैं, क्योंकि संभावना इसी बात की ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्रिमंडल में शामिल करेगी और बतौर डिप्टी सीएम उन्हें शामिल कर सकती है। लेकिन अंतिम जो कॉल है वो मुख्यमंत्री का होता है, विधानमंडल दल में तय होता है और मुख्यमंत्री तय करते हैं कि किसका क्या रोल होगा। तो माना जा रहा है आज जो अभी फाइनल मीटिंग होने जा रही है रात में गृहमंत्री अमित शाह के साथ, जिसमें जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं, बीएल संतोष भी रहने वाले हैं और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं, उस ये अंतिम बैठक में फाइनल जो आप कह सकते हैं रिहर्सल हो जाएगा, फाइनल ये तय हो जाएगा कि किस व्यक्ति को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या फिर उन्हें संगठन भेजा जाएगा। इन सभी कयासों पर से पर्दा आज रात को उठ जाएगा। ये अलग बात है कि इसको इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो लखनऊ में होगा, विधायक दल की बैठक के बाद होगा। जी शोभना, जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ को परसों यानी 25 तारीख को शपथ लेनी है और एक मेगा इवेंट बनाने की कोशिश, और समीकरणों का, जातिगत समीकरणों का बेहद ध्यान रखना होगा इस मंत्रिमंडल की घोषणा से पहले, क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल आज 2022 में घोषित होगा 24 की तैयारी बीजेपी की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं। और चलिए पहले नीरज राजपूत का रुख कर लेते हैं। आज युद्ध का 28वां दिन है, नीरज राजपूत वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नीरज, सबसे पहले मैं आपसे अपडेट चाहूंगी, आज 28वां दिन है युद्ध का और युद्ध समाप्त होने तो होती तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। ये कहा जा रहा था कि रूस तो एक हफ्ते में ध्वस्त कर देगा, तो क्या अपडेट इस समय का आपके पास? आप बिल्कुल शोभना, इस वक्त हम रूस की राजधानी मॉस्को में मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे जो मॉस्को में रूस का जो विदेश मंत्रालय की बिल्डिंग है जो पीछे दिखाई दे रही है, कैमरामैन मान दिखाएंगे, ये लगभग एक महीना होने को आ गया है अब इस युद्ध को। सभी को ये लग रहा था कि ये युद्ध जो है हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन एक महीना होने को आ गया है अब इस युद्ध को। सबकी निगाहें इसी बात की ओर को लेकर हैं कि आखिरकार रूस जो है चाहता क्या है, रूस आखिरकार किस तरह से इस युद्ध को एक महीने तक कैसे खींचा गया है, और इसके पीछे जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, रूस में पहुँचे हैं, मॉस्को में पहुँचे हैं, क्रेमलिन से हमने रिपोर्टिंग करी और अब यहाँ विदेश मंत्रालय में जो एक्सपर्ट से भी हमने बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि ये जो रूस की जो है एक ट्रेडिशनल जो उनकी पारंपरिक जो युद्ध शैली है कि वो एक लंबे समय तक युद्ध करते हैं, क्योंकि उन्होंने जब नेपोलियन के खिलाफ युद्ध हुआ था उस वक्त भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई कि इस युद्ध को लंबा खींचा जाए। उनका ये मानना होता है कि दुश्मन कर जब भी अगर वो अटैक करे तो वो इस तरह से करते हैं कि वो पूरी तरह से तबाह हो जाए, नष्ट हो जाए, और उसी के लिए इतना लंबा युद्ध जो है हम लोग देख रहे हैं रूस की तरफ से। और दूसरा कारण शोभना एक और भी है, क्योंकि यूक्रेन के साथ रूस के जो हैं वो अपने उनके ऐतिहासिक और जो उनका अपना जो सांस्कृतिक जो संबंध है यूक्रेन के साथ
वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और इसलिए रूस नहीं चाहता है कि किसी भी तरह से यूक्रेन की आर्मी को तो अटैक किया जाए, जो कह रहे हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस जो उन्होंने किए हैं, उनकी जो जितने भी छावनियां हैं, मिलिट्री बेस हैं, आज भी हमने देखा S-300 मिसाइल सिस्टम को किस तरह से ध्वस्त किया रूस की सेना ने, लेकिन वो नहीं चाहते कि किस तरह से सिविलियंस जो यूक्रेन के जो आम नागरिक हैं उनको किसी तरह से क्षति पहुँचाई जाए, इसीलिए फूक फूक कर कदम जो है रूस रख रहा है। और हम लोग देख रहे हैं कि एक महीना होने को आ गया है, युद्ध अभी भी समाप्त होने की ओर नहीं दिखाई पड़ रहा है। नीरज राजपूत, क्या माना जाए, नेटो जो है, नेटो का साथ देने के लिए जेलेंस्की अब तैयार नहीं है, लेकिन क्या ये लग रहा है, क्या ये चर्चा है कि जेलेंस्की की जिद की वजह से यूक्रेन के नागरिकों को इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं पुतिन का भी अड़ियल रवैया? बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि युद्ध खत्म हो जाएगा, और रूस ने जो अपने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं यूक्रेन के खिलाफ, उनकी जो आर्मी को जो डीमिलिट्राइजेशन का जो उन्होंने नाम दिया है, वो इसीलिए किया है क्योंकि जेलेंस्की और यूक्रेन को रूस को ऐसा लगता था कि ये नाटो में शामिल हो जाएंगे, और नाटो में अगर शामिल हो जाते हैं तो जो नाटो फोर्सेज हैं, जो जिसको वो अपना दुश्मन मानता है रूस, अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़, वो उनकी सीमा तक पहुंच जाएंगे, यानी यूक्रेन में तक पहुंच जाएंगी जो नाटो सेनाएं हैं। इसीलिए रूस नहीं चाहता था कि जेलेंस्की और यूक्रेन जो हैं वो नाटो में शामिल हो, और उसी को रोकने के लिए, दबाव बनाने के लिए जो रूस है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस किए, और ये एक महीने तक चल रहे हैं, इसीलिए कि जेलेंस्की और यूक्रेन किसी भी तरह से नाटो में शामिल ना हो, और दुश्मन जो है वो रूस की सीमा तक ना पहुंच पाए, यानी कि नाटो ना पहुंच पाए, नाटो की फोर्सेस जो हैं वो रूस की सीमा तक ना पहुंच जाएं, इसीलिए इस तरह ये युद्ध हुआ, यानी कि क्योंकि रूस में इसको युद्ध नहीं कहा जा रहा है, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कहा जा रहा है, युद्ध को पूरा नाम नहीं दे रहे हैं, वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस जो हैं, क्योंकि युद्ध का मायने है कि पूरी तरह से सबके ऊपर अटैक करना है, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन की आर्मी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, बाकी सिविलियंस के ऊपर नहीं किया जा रहा है, तो वो इसीलिए किया जा रहा है कि किसी तरह से जेलेंस्की और यूक्रेन जो है वो नाटो फोर्सेज में शामिल ना हो, और रूस कुछ भी कहे लेकिन कुल मिलाकर जो नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन के नागरिकों का हो रहा है, जानमाल का नुकसान यूक्रेन में भारी हो रहा है, मलबे में तब्दील कर दिया है रूस ने लगभग पूरे यूक्रेन को। परसों यानी 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बीजेपी की यह कोशिश है कि इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को एक मेगा इवेंट बनाया जाए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। जानकारी ये भी आ रही है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता दिया गया है। मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। संजय त्रिपाठी, कौन बड़े उद्योगपति चेहरे होंगे जो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे? शोभना, भव्य कार्यक्रम को भव्यतम बनाने की तैयारी लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सबसे पहले तस्वीरें देख लीजिए, पीछे मंच सज चुका है और अफसर यहां पर जो मौजूद हैं वो लगातार जायजा ले रहे हैं, समझ रहे हैं, पुलिस को ड्यूटी अलॉट हो रही है। और अब मैं आपको बताता हूं वो सारे नाम जो इस पूरे कार्यक्रम में खास तौर पर बुलाए गए हैं। बड़े बड़े औद्योगिक समूह हैं जिनमें टाटा ग्रुप से एन चंद्रशेखरन का नाम है, अंबानी ग्रुप से मुकेश अंबानी का नाम है, आदित्य बिरला ग्रुप से कुमार मंगलम बिरला का नाम है, इसके अलावा गौतम अडानी यहाँ पर मौजूद होंगे, आनंद महिंद्रा आएंगे, दर्शन हीरा नंदानी आएंगे, यूसुफ अली आएंगे, सुधीर मेहता आएंगे, संजीव गोयनका आएंगे, अरविंद लोढ़ा आएंगे। इस तरह से बड़ी लिस्ट है जिसमें कई बड़े नाम है, कई अहम नाम है। 49 लोगों की जो लिस्ट है वो उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एबीपी न्यूज के पास है। इन 49 लोगों को निमंत्रण पत्र भेज दिया गया है, इसके अलावा 11 मुख्यमंत्रियों को जानकारी हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस समय दर्शकों को बता रहे हैं कि इस भव्य कार्यक्रम को भव्यतम बनाने की कोशिश बीजेपी की है। तमाम बड़े उद्योगपति चेहरे इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की जनता को एक संदेश कि आने वाले समय में निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। जहां पर 10 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, कल गृह मंत्री अमित शाह ने वहां की सरकार से रिपोर्ट तलब की थी, राज्य सरकार ने SIT का गठन किया, लेकिन आज यहां पर बीजेपी के लोग यहां पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए किस निर्ममता के साथ, किस विभत्सता के साथ इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 10 लोग जिंदा इसमें जला दिए गए थे। हालांकि राज्य सरकार ने SIT का गठन किया है, लेकिन बीजेपी के नेताओं का लगातार यही आरोप है कि इसके पीछे कोई साजिश है। TMC के नेता की हत्या के बाद ये जघन्य घटना घटी थी और अब बीजेपी के नेता वहां पे पहुंचे हुए हैं। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह कल ही रिपोर्ट राज्य सरकार से तलब कर चुके हैं।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।